वीडियो में मैं आपको ये मोटिफ बनाना बताऊंगी, इसे स्नो फ्लैग कहते हैं। तो आप ये बनाकर अगर आपने किसी का अपने नेबर्स वगैरह को गिफ्ट देना है क्रिसमस का, तो आप उसको ये दे सकती हैं। या फिर अगर ये देखने में काफ़ी खूबसूरत है और इसको टेबल मैट के तौर पर भी यूज़ कर सकती हैं एज ए कोस्टर, चाय या कॉफ़ी के मग के लिए भी, टेबल के ऊपर रखने के लिए भी, या कैंडल के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकती हैं। तो मैं आप ये यहाँ से सेंटर से बनाना स्टार्ट होगा। तो ये वाला मैंने सिल्वर ग्रे ऊन से बनाया है, तो अभी मैं आपको वाइट धागे से बनाना बताऊंगी कि ये कैसे बनाते हैं। तो इसको स्टार्ट करने के लिए पहले ऐसे क्रोशिए के ऊपर एक नॉट बना के, तो 7 चेन बनाएंगे। इसका ये छोटा सेंटर में जो राउंड है सर्कल, वो 7 चेन से बनाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 बना के सबसे पहले वाली जो चेन है उसके अंदर से स्लिप स्टिच ले लेंगे। सातवीं चेन जो क्रोशिए के ऊपर है वो और सबसे पहले वाली चेन के अंदर डाल के ऐसे स्लिप स्टिच ले लेंगे। स्लिप स्टिच लेके अब ये एक छोटा सा सर्कल बन गया, एक राउंड बन गया। अब इसके अंदर से ये जो इसके अंदर से हमने दो दो डबल क्रोशिए ये वाली चीज़ बनानी है, दो डबल क्रोशिए, दरमियान में दो चेन और फिर दो डबल क्रोशिए, इसके अंदर से हमने 6 दफ़ा ये बनाने हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, पहले ऐसे 3 चेन बनाएंगे, पहले ये जो 3 चेन है ऐसे डबल क्रोशिया शुमारूँगी, तो ये 3 चेन बना के उसके बाद फिर से एक डबल क्रोशिया और 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिए, और 2 चेन, ऐसे ये 6 दफ़ा बनाना है। ऐसे 5 दफ़ा ये बन गया, फिर से 2 चेन बना के फिर से 2 डबल क्रोशिए बनाने हैं। और 2 चेन बनानी है। और ये जो सबसे पहले वाला 3 चेन जो बनाई थी उनमें उसके सबसे ऊपर वाली जो चेन है उसके अंदर स्लिप स्टिच ले लेना। स्लिप स्टिच लेके अब यहाँ पे 3 चेन बना के, तो अब ये जो 2 डबल क्रोशियों के दरमियान 2 चेन की जो स्पेस बनाई है 6 दफ़ा, अब इनके अंदर से फिर से ये वाली चीज़ बनेगी। अब इसका थर्ड राउंड स्टार्ट होगा, 2 डबल क्रोशिए दरमियान में इसके यहाँ पे 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिए, ऐसे ये 6 इन ये जो 6 स्पेस बनाई 2 डबल क्रोशिए 2 चेन की उनके अंदर बनाना है। पहले जब स्टार्ट किया पहले 3 चेन बना के, तो फिर पहली स्पेस में आ जाना है 2 चेन की स्पेस में, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिए बना के दरमियान में 3 चेन बना लेनी है, और फिर उसी स्पेस के अंदर फिर से 2 डबल क्रोशिए बना देने हैं। यहाँ पे 3 चेन बना के 2 चेन की स्पेस जो 2 डबल क्रोशिए दरमियान में छोड़ के, ये 2 चेन की जो स्पेस है उसके अंदर 2 डबल क्रोशिए, दरमियान में 3 चेन और 2 डबल क्रोशिए, फिर से अब अगली स्पेस में आ जाना है 2 डबल क्रोशिए दरमियान में छोड़ के अगली 2 चेन की स्पेस में, फिर से ऐसे ही 2 डबल क्रोशिए, दरमियान में 3 चेन और फिर उसी स्पेस के अंदर 2 डबल क्रोशिए। ऐसे ये जो सारी स्पेस है उनके अंदर ऐसे ही बनाना है। ऐसे ही इसका लास्ट, इसका 6 दफ़ा ये 5 दफ़ा ये बना लिया मैंने,
तीन चार पांच दफ़ा बना लिया। अब ये लास्ट वाला इसका रह गया, तो ये मैं फिर से आपको बताती हूँ। ये जो दो चेन की स्पेस है उसके अंदर दो डबल क्रोशिए, दरमियान में तीन चेन, और ये जो यहाँ पे जब हमने स्टार्ट किया था तो ये तीन चेन से स्टार्ट किया था, तो अब यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बनाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना के तो इसके साथ वाला दूसरा डबल क्रोशिया, ये जो तीन चेन है ये होंगी, ऐसे ये राउंड पीस का मुकम्मल है। यहाँ पे दो डबल क्रोशिया, तीन चेन, और फिर ये एक डबल क्रोशिया बना के एक ये जो तीन चेन स्टार्ट में बनाई थी उसको भी साथ मिला के ये यहाँ भी दो डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पे अब अगला राउंड स्टार्ट करना है, ये वाला इसका राउंड स्टार्ट होना है, तो यहाँ पे तीन चेन बनानी है, तीन चेन बना के तो यहाँ इस जगह पे आ जाना है। ये जो दो दो डबल क्रोशियों के दरमियान तीन चेन बनाई थी वहाँ पे तीन बार डबल क्रोशिया बनाना है, फिर से तीन चेन बनानी है, और ये इस जगह पे इस दो डबल क्रोशियों के आगे इस जगह पे स्लिप स्टिच लेना है। इसे स्लिप स्टिच लेके फिर से तीन चेन बनानी है और इधर इस जगह पे आ जाना है। ये जो दो दो डबल क्रोशियों के दरमियान में तीन चेन की जो स्पेस थी यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे फिर से तीन डबल क्रोशिया बनाने हैं, हर स्पेस में ऐसे ही तीन तीन डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये तीन तीन चेन की जो स्पेस हर दफ़ा बनाई थी, ये जो छः दफ़ा बनाया था, हर तीन चेन के स्पेस में तीन तीन डबल क्रोशिया बनाने हैं। और ये वाली जो स्पेस है यहाँ पे तीन चेन बना के तीन दफ़ा ये डबल क्रोशिया बनाए हैं, तीन चेन बना के इस स्पेस में स्लिप स्टिच ऐसे, और फिर यहाँ से तीन चेन, और फिर इस स्पेस में आ जाना है। यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया बनाने हैं, और फिर आके तीन चेन बना लेनी, तीन चेन बना के ये वाली जो स्पेस है इसके अंदर ऐसे स्लिप स्टिच लेना है, स्लिप स्टिच लेके तो वहाँ से ही फिर से तीन चेन बना लेनी। तीन चेन बना के फिर से यहाँ पे इस जगह पे तीन डबल क्रोशिए, ये जो तीन चेन की स्पेस है उसमें डबल तीन डबल क्रोशिए, ऐसे ही ये जो स्पेस बाकी है इनके अंदर भी बना के, तो फिर मैं आपको बताती हूँ अगले राउंड में क्या करना है। लास्ट वाली जो स्पेस है उसके अंदर भी तीन दफ़ा डबल क्रोशिया बना के से तीन दफ़ा डबल क्रोशिया बना के तीन चेन बना के, तो ये वाली जो स्पेस है जहाँ से इसको स्टार्ट किया था यहाँ पे स्लिप स्टिच बना देना। ऐसे ये वाला इसका राउंड भी मुकम्मल हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इससे अगले राउंड में क्या करना है। इसके लास्ट राउंड में अब इसका लास्ट राउंड रह गया है। इसके लास्ट राउंड में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, ये जो तीन तीन चेन की स्पेस है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनेंगे, और ये जो तीन तीन डबल क्रोशिया बनाए हैं इनके ऊपर तीन बार पिको बनेगी, तो वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये जो तीन चेन की स्पेस है जहाँ से अभी हमने स्लिप स्टिच लिया है, यहाँ पे तीन दफ़ा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तीन दफ़ा सिंगल क्रोशिया बना के अब ये जो तीन डबल क्रोशिया हैं, अब इसका ये जो पहला डबल क्रोशिया की चेन है यहाँ पे ऐसे स्लिप स्टिच बनाना है, इसके ऊपर तीन चेन बना के, तो ये जो अगली ये जो सेंटर वाला जो डबल क्रोशिया है इसकी जो चेन है इसमें स्लिप स्टिच बना देना, इसे स्लिप स्टिच बना के
फिर दरमियान वाली जो चेन है, दरमियान वाली जो पिको है उसके लिए पांच दफ़ा पांच चेन बनानी है, और अगली अगला जो सेंटर वाले में पांच चेन बनानी है, पांच चेन बना के अगला जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया उसकी जो चेन है उसके अंदर स्लिप स्टिच ले लेना। फिर यहाँ से फिर से लास्ट पिको बनाने के लिए तीन चेन बना के फिर ये जो अगली ये जो उससे अगले तीन चेन है उसके आगे जो तीन है यहाँ पे स्लिप स्टिच ले लेना। ऐसे ये जो डबल तीन तीन डबल क्रोशिया बनाए थे उसके ऊपर पिको बनाते जाना, और ये जो तीन तीन चेन की स्पेस है उसके अंदर ये जो तीन चेन की स्पेस है उसके अंदर तीन तीन दफ़ा सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तीन सिंगल क्रोशिया बना के अब अगली जो उससे अगली तीन चेन की स्पेस है उधर आ जाना है, वहाँ भी तीन सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। और अब फिर से तीन डबल क्रोशिया आके इनके ऊपर तीन दफ़ा तीन, जैसे ये अभी पिको बनाई है ऐसे इनके ऊपर भी तीनों के ऊपर पिको बना देनी है। पहले यहाँ से तीन एक सिंगल क्रोशिया बना के पहले वाली ये जो डबल क्रोशिया उसके अंदर ऐसे स्लिप स्टिच लेके उसके ऊपर तीन बार तीन चेन बना के, तो ये सेंटर वाला जो डबल क्रोशिया उसकी चेन में स्लिप स्टिच ले लेना ऐसे। फिर यहाँ पे सेंटर वाली बड़ी पिको बनानी है इसलिए यहाँ पे पांच चेन बनाएंगे, पांच चेन बना के फिर अगली वाला जो चेन है आखिरी जो डबल क्रोशिया है अगला जो तीसरा डबल क्रोशिया उसके अंदर स्लिप स्टिच ले लेना। स्लिप स्टिच लेके फिर उसके ऊपर फिर तीन दफ़ा चेन बना लेनी, यहाँ तीन बार चेन बना के अब ये जो तीन 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 चेन की ये जो स्पेस है अब पहले इधर आ जाना, यहाँ पे फिर अब तीन तीन सिंगल क्रोशिया बना देने, तीन सिंगल क्रोशिया बना के और आगे फिर तीन चेन है के अंदर भी तीन सिंगल क्रोशिया और आगे फिर तीन डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशियों के ऊपर जैसे ये अभी चेन ये जैसे ये अभी पिको बनाई है ये ऐसे ही इन तीन डबल क्रोशियों के ऊपर तीन पिको बना देनी। फिर ये जो तीन तीन चेन की स्पेस है इसके ऊपर तीन तीन दफ़ा सिंगल क्रोशिया बना देने, और फिर अगली स्पेस ये वाले जो तीन क्रोशिया तीन डबल क्रोशिया उनके ऊपर भी तीन दफ़ा पिको बना देनी। ऐसे ही मैं ये रोड मुकम्मल करके तो इसका एंड हो जाएगा, मैं आपको एंड में बताती हूँ। अब ये मुकम्मल हो गया, इसके आखिरी जो इस तीन चेन की स्पेस थी उसके ऊपर भी तीन उसके ऊपर भी तीन सिंगल क्रोशिया बना दिए, और यहाँ पे आप इसका स्लिप स्टिच लेके तो एंड कर देना। ये जो तीन चेन है इसके अंदर ऐसे स्लिप स्टिच लेके स्लिप स्टिच लेके यहाँ पे आगे ऊपर, अगर आपने इसे किसी को गिफ्ट देना है स्नोफ्लेक्स बनाना है तो फिर ऐसे ऊपर इसके चेन बना के थोड़ी सी इसका धागा काट देना। ऐसे ये रेडी है, ये मैंने उनसे बनाया है इसलिए ये बड़ा बना है। अगर आप एज ए कोस्टर बनाना चाहती हैं तो फिर आप उनसे बना लें, अगर आप धागे के साथ बनाना चाहती हैं धागे के साथ भी बना सकती हैं। इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको ये जो सबसे बड़ा है इस ये बनाना बताऊंगी, तो आप इसलिए मेरे आने वाली वीडियो ज़रूर देखें।